मैं तो कार बढ़ाने की जगह घर के अंदर डालने के चक्कर में जैसे कार में बैठा स्टार्ट करके निकाला था, मैं कार सही बह गया। अनुमानित जो नुकसान अभी इसमें सरकारी संपत्ति का नहीं है, कम से कम 2 करोड़ रुपए का लोगों का इंडिविजुअल का नुकसान हुआ है। इस पानी में हमने जैसे रोड पार करना चाह रहे थे ना, तो हमें बहा के ले जा रहा था, ये इतना तेज पानी था इसमें। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त जेजेएन की टीम मौजूद है तपोवन कॉलोनी कृष्णा विहार में, जहां पर बीते दिनों जिस तरह से भारी बारिश यहां पे देखने को मिली थी, उसके बाद तबाही का मंजर ग्राउंड जीरो से दिखाने इस वक्त हम यहां पे मौजूद है। अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं तो एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी, मेरे चारों तरफ की तस्वीरें यहां पर दिखाएं कि किस तरह से यहां पे हालात जो है वो बने हुए हैं। इससे अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि जिस दिन ये दुर्घटना घटित हुई होगी तब यहाँ पर मंजर कैसा होगा। हालांकि यहाँ पे देखने को मिला है कि प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई यहाँ पे की गई है। लगभग 50-60 से ज्यादा जो कर्मचारी नगर निगम के हैं वो यहाँ पर मलबा हटाने में लगे हुए हैं, और जिस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बसें यहाँ पे फंसी हुई हैं। बताया जा रहा है कि जो आमपानी नाला है उसकी दीवार टूट गई थी, और जिस तरह से पहाड़ों पर बरसात हो रही है उसका पानी उस दिन यहाँ पर पूरी कॉलोनी के अंदर घुस गया था, और जो मलबा है वो लोगों के घरों में गली में घुस गया था। साथ ही वाहन जो है वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। अगर तस्वीर में आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी मलबा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पोकलैंड मशीन जो है वो यहाँ पे लगाई गई है, जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। कर्मचारी जो है वो दिन रात यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द मलबा हटाने की कार्रवाई जो है कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन लगातार प्रशासन जो है वो यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन के जो तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। एसडीएम, तहसीलदार, साथ ही नगर आयुक्त के साथ साथ आज यहाँ पर मेयर जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो भी तमाम निरीक्षण यहाँ पर कर चुके हैं, नजर पूरी इस अपडेट पर बनाए हुए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में जिस तरह से तबाही की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है उससे जहाँ एक और यहाँ के लोगों में डर का माहौल है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर आखिर क्यों अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बरसात का पानी पहाड़ों से आ रहा था, और जो पीछे आप मेरे यहाँ पे दीवार देख सकते हैं ये पूरी दीवार यहाँ पे टूट गई थी। अगर पास से मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर पास की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो पास की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आमपानी नाले की यहाँ पर दीवार थी वो पूरी बरसात के चलते टूट गई थी, और भरभराकर जो पूरी दीवार है वो मलबा के साथ इस गली में जा घुसी थी। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पे मलबा भरा पड़ा है, और मलबे की जो हाइट है वो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस जो है वो पूरी आधी जो है वो कवर हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मलबा जो है वो आधी बस को जो है वो पूरी तरह से कवर कर चुका है। यहाँ पे प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, नगर आयुक्त यहाँ पर आए हैं, निवर्तमान मेयर जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों से बात करते हैं, प्रभावितों से बात करते हैं, जानते हैं किस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी हुई थी। 3 दिन आज हो गए हैं, 3 दिन के बाद प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई अभी तक की गई है, जिस तरह से लोगों को नुकसान हुआ है, नुकसान का कितना आकलन हुआ है, क्या सहायता राशि उनको दी गई है। चलिए बिना किसी देरी के प्रभावितों से बात करते हैं, साथ ही प्रशासन के अधिकारियों से भी आपकी बात कराते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? गोविंद मिश्रा। तो जिस तरह से तबाही हमें देखने को मिली है इस कॉलोनी में, आप लोगों का घर यहाँ पे मौजूद है, क्या मंजर था उस वक्त, और उसके बाद जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे क्या संतुष्ट हैं? प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, बहुत स्लो काम हो रहा है, स्लो, बहुत स्लो काम हो रहा है। अभी तक तो कल ही की डेट में सफाई हो के ये गाड़ियाँ निकल जानी चाहिए थी। प्रशासनिक अमला ये अभी तक एक मशीन नहीं लगा रखी है इन्होंने। आज 12 बजने को होगा, टाइम क्या हो गया, 11:30 बज गया है। डीएम साहब को फोन करके बोला मैंने, अभी टीम भेज रखी है,
नगर निगम की टीम आ रखी है, थोड़ा सफाई ये कर रहे हैं, मगर डंपर और जेसीबी के लिए और पोकलेन के लिए बोल रखा भेज रहे हैं कह रहे हैं। प्रशासन की टीम कह रही है कि लगभग 90 से 100 कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पे लगे हैं हर दिन काम में। नगर निगम के कर्मचारी तो 50-60 कल भी थे, तो उनकी तरफ से काम कैसा हो रहा है? कल मलबा उठा, मलबा ही इतना था कि कल दिन भर जो गाद बही थी वो उठाया। जिस दिन ये पानी आया उस दिन क्या स्थिति यहाँ पर थी? स्थिति कुछ स्थिति नहीं थी, आदमी ये सोच रहा था कि बस बच के निकला, अपनी छतों पे चढ़ गए थे सब लोग, इतना पानी था। कितने बजे की घटना है ये? 8 बजे की। 8 बजे की है, अच्छा। तो पूरा जब बारिश हुई थी तो पूरा भर भरा कर आया था ये? तो भर भरा के आया, अंदाजे नहीं आया लोगों को। हमारी गाड़ियां बाहर खड़ी थी, मेरी कार थी, स्कूटी थी, मोटरसाइकिल बाहरी थी, सब बह गए। अच्छा, मैं तो कार बढ़ाने के घर के अंदर डालने के चक्कर में जैसे कार में बैठा स्टार्ट करके निकाला था, मैं कार सहित बह गया। ओके, अच्छा। फिर कुछ नहीं, आगे जाकर रुक गई थी कार रुक गई थी आगे जाके। नुकसान की अगर मैं बात करूँ तो लगभग कितना नुकसान का आकलन अभी तक हुआ है? नुकसान का आकलन क्या है, अभी तो इन्होंने केवल 5,000 रुपये दे के फौरी तुरंत राहत के तौर पर दे रखे हैं, बाकी कह रहे हैं कि नुकसान का आकलन कर रहे हैं, आपदा मद में कहीं से ना कहीं से देंगे करके, अभी तक आकलन करने वाला कोई आया नहीं, कह रहे हैं केवल आश्वासन है। अच्छा, ये दो बसें भी मैं देख पा रही हूँ, स्कूल की बसें यहाँ पे फंसी हुई हैं, इसको लेकर यहाँ पर कोई कार्रवाई हो रही है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे मैं पीछे देख पा रही हूँ कि पोकलैन मशीन लगी हुई है यहाँ पे, पीछे पोकलैन मशीन कटान हुआ था। आगे बारिश हो तो इधर को पानी ना आए करके तब लगी थी। अच्छा, अभी मैं देख पा रही हूँ पूरा जो दीवार थी वो टूट गई थी, अगर बारिश अभी और होगी तो किस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी रहेगी? ये बारिश होगी तो पूरा फिर मतलब इधर को आएगा, अभी तो वायर करेंट बंद लगने के लिए काम चल रहा है। चलिए, मतलब डर के साए में आप लोग हैं अभी? अभी हैं डर के साए, परमानेंट ट्रीटमेंट हो, परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए इतने वर्षों से कह रहे हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट के रूप में क्या मांग रहे हैं? शासन प्रशासन नाले का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, परमानेंट ट्रीटमेंट हो, हैं क्यों नहीं है? आज तक अधिकारी कर नहीं रहे हैं, क्यों नहीं होना चाहिए था? आज तक DPR बना के शासन से संस्तुति लेके क्या नहीं होता है? अगर कर्मचारियों में इच्छा शक्ति हो, अधिकारियों में इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है। शासन प्रशासन में अगर इच्छा शक्ति नहीं है अधिकारियों में, भाई DM हो गया, SDM हो गए, DFO हो गया, जो वन विभाग के ऑफिसर हैं, स्थानीय जो ऑफिसर हैं राजस्व के, इन लोगों ने तो इस पर DPR बनाने चाहिए, मंथन करना चाहिए कि कैसे कैसे होगा। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से बारिश का कहर हल्द्वानी में देखने को मिला है, तपोवन कॉलोनी कृष्णा विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं, रक्षाबंधन के दिन जिस तरह से बारिश ने अपना तांडव यहाँ मचाया, कितना नुकसान हुआ है और अभी तक प्रशासन की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? देखिए, यहाँ पर जो ऊपर से नाला आता है उसके साथ बहुत सारा RBM आ गया है, RBM के साथ साथ जो रिवर बेड मटेरियल के साथ साथ जो सिल्ट है वो भी आई है, वो घरों में घुस गई थी, तो काफ़ी हद तक घरों से तो साफ हो गई है। नगर निगम के 100 से अधिक कर्मचारी JCB पोकलैंड लगे हैं, बाकी विभाग भी लगे हुए हैं, वन विभाग ने भी इसमें अपना जो भी सहयोग देना है पोकलैंड के माध्यम से वो भी दे रहे हैं, और इसमें कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निरीक्षण भी किया गया और ये बताया गया, निर्देश भी दिए गए कि आने वाले समय में ये दोबारा समस्या ना हो, इसका लॉन्ग टर्म प्लान क्या बनाया जाना चाहिए उसके लिए भी वन विभाग सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है। हमारी टीमें लगी हैं, हमें उम्मीद है कि आज शाम तक या कल दोपहर तक जितना भी मलबा सड़क पर है वो सारा निकल जाएगा। पेयजल की जो समस्या है उसके लिए हमने जल संस्थान से बात कर ली है और वो पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। नुकसान जितना भी हुआ है उसको लेकर क्या कार्रवाई प्रशासन? नुकसान को लेकर के जो तत्काल सहायता दी जाती है वो राजस्व विभाग के द्वारा दी जा रही है, बाकी ओवरऑल जो नुकसान हुआ है उसको कैलकुलेट राजस्व विभाग कर रहा है, उसके बाद ही कर सकते हैं। अनुमानित जो नुकसान अभी जिसमें सरकारी संपत्ति का नहीं है, कम से कम 2 करोड़ रुपए का लोगों का इंडिविजुअल का नुकसान हुआ है, किसी की बाउंड्री वॉल टूट गई है, किसी की गाड़ी बह गई है, बट अगर हम सरकारी संपत्ति का नुकसान अगर एसेस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर। जिस तरह से हल्द्वानी में बारिश का कहर देखने को मिला है, 2 से 3 दिन हो गए हैं, भारी बारिश लगातार जारी है, हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग समस्या का सामना कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पे निरीक्षण करने पहुँचे हैं, क्या कुछ पाया और क्या कार्रवाई की गई? हाँ, देखिए, अतिवृष्टि के कारण लगभग 40 मिनट में 165 mm वर्षा हो गई, जिस कारण बादल फटने की जैसी स्थिति हुई, उससे कृष्णा नगर, गायत्री विहार, दमोडुंगा बंदोबस्ती के कई इलाकों में और जवाहर ज्योति के कई इलाकों में पानी भर गया और मिट्टी के संग गाद पहाड़ों से आकर लोगों के घरों में भर गई, नालियां जाम हो गई, दीवारें टूट गई, खेती को नुकसान हो गया।
तो इसके लिए हम जिस दिन ये हुआ उस दिन से इस ग्राउंड जीरो में हम सब हैं, पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर है, माननीय सांसद जी का भी दौरा हो चुका है, मैं स्वयं यहाँ पिछले दो दिन से यहीं पर रहूँ, नगर निगम की टीम है, नगर आयुक्त है, SDM, सिटी मजिस्ट्रेट सभी यहाँ पर हैं और जल्द से जल्द यहाँ पर हम लोग सफाई व्यवस्था से लेकर और जो आपदा राहत राशि होती है उसका वितरण भी कर दिया है, कुछ लोगों का बचा उसको भी अभी कर रहे हैं। तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए जो बरेला आम पानी नाला और आम पानी नाला है और इस नाले को चैनलाइज करने के साथ साथ ऊपर माउंटेन ट्रेल से हम इसमें चकबंद चेक डैम्स के साथ साथ दीवालों का प्रपोजल बना रहे हैं। DM मैम आई थी यहाँ पर, उन्होंने भी इस पर कार्रवाई की है, मैं समझता हूँ कि एक वर्ष के अंदर हम इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। सर, जिस तरह से हमने देखा तस्वीरों के माध्यम से स्कूल बसें वहाँ पे फंसी हैं, वाहन जो हैं वो भी फंसे हैं, लोगों के घरों के अंदर मलबा आ गया है, अभी के नुकसान की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल अभी तक कितने नुकसान का आकलन हो चुका है? लेकिन नुकसान का अगर कहें व्यक्तिगत नुकसान लोगों का बहुत हुआ है और सार्वजनिक संपत्ति को भी बहुत नुकसान हुआ है, तो काफ़ी बड़ा नुकसान है, इसका आकलन कर रहे हैं, अभी स्पष्ट रूप से तो मैं बता नहीं सकता लेकिन आकलन कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? नवीन बिजवासी। तो जिस तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, आपका भी घर यहाँ पे पास में मौजूद है, खेत आपका पूरा यहाँ पे नष्ट हो चुका है, कितना नुकसान हुआ है, प्रशासन की ओर से अभी तक कार्रवाई कितनी कर रही है? प्रशासन की ओर से 5,000 रुपये दिए हैं और कम से कम लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा। केवल 5,000 रुपये दे गए चले गए हैं वो और अभी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही, खेत सारे बर्बाद हो गए, इनमें फसल होनी नहीं है, है न, फसल रहेगा खेत नहीं रह गए। अब ये जो मलबा पड़ा है अगर ये थोड़ा बहुत इसी को बेचेंगे, जो भी इसमें सफाई वफाई में पैसा लगेगा उससे इसका वो करेंगे ना। अच्छा। तो बाकी नुकसान बहुत हो गया और इसका कोई गारंटी नहीं कि ये और सही हो जाएगा जो ये कर रहे हैं ना। हाँ। ये अभी एक महीने पहले फिर हुआ था ऐसी हुआ था। ये दोबारा हो गया और इसका फिर पता नहीं है, अभी खाली जाल भी नहीं बताया, अगर शाम को ही भयंकर बारिश हो गई फिर भी ये वही हाल होने जो अभी हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट बहुत धीरे काम कर रही है, मतलब कर्मचारी देखो लगे तो हैं, अब एकदम तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर जाल बन जाता ना तो उससे जो मिट्टी एकदम से काटा कटान हो रहा नीचे वो रुक जाता, मलबा वहाँ रुक जाता, पानी आ जा, पानी से कोई दिक्कत नहीं है, खेत खराब नहीं, पानी तो निकल जाता ना। तो ये बड़ा जाल बन जाए और अगर इसका कोई भरोसा नहीं भविष्य में भी ये कहीं भी टूट जाएगा। अब उस दिन की अगर मैं स्थिति बात करूँ, उस दिन किस तरह के यहाँ पे हालात थे, किस तरह की पूरी जो दुर्घटना है वो घटित हुई थी? उस वक्त तो ऐसा लगा कि हम तो दुकान में खड़े थे यहीं पर सामने, तो 15 मिनट ही बारिश हुई होगी, ऊपर फट गया बादल, हमने देखा रे पानी ज्यादा आ गया, हम मतलब कदम बाहर निकालने था कि पूरा लबालब भर गया और एक को हिलने का मौका नहीं मिला अपनी जगह से, कोई यहाँ से यहाँ नहीं जा पाया, इतना खतरनाक बन जाता कि लोग दरवाजे बंद करने के लिए जैसे आए तो दरवाजे खोल नहीं पाए, इतना भयंकर तरीके से आ गया कि वो यहाँ बारिश बहुत कम थी, पहाड़ में बादल फट गया ऊपर, पहाड़ में जब बादल फटेगा नीचे ही तो आएगा पानी, नीचे आएगा तो उसने आदमी को किसी को भी हिलने का मौका नहीं है, जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया, वो तो कि थोड़ा सा लाइट थी, थोड़ा सा आदमी बच बचा हो गया, अपने इधर उधर खड़े हो गए, नहीं तो ये पर ये गाड़ियों ने भी बहुत बचा दिया, गाड़ियाँ नहीं होती तो सारा मलबा घरों में घुसता ना। अच्छा, ये जो दो गाड़ियाँ ये दो गाड़ियों ने बहुत मलबा यहाँ पर रोक दिया, नहीं तो ये घर में ही घुसता उधर जाके। हाँ। तो इसने सारा मलबा यहीं डंप कर दिया, पानी निकल गया उधर को, पानी से जो भी हुआ कि घरों में घुसा मलबा जो इसका कीचड़ आता ना, और रोड़े पत्थर तो यहाँ टक गए, जो मलबा होता है ये घुसा है घरों में सबके घरों में घुसा है, एक घर नहीं बचा है ऐसा। लगभग कितने घर होंगे यहाँ पे? कम से कम यहाँ 1,500-2,000 घर से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि गायत्री नगर और कृष्णा विहार कॉलोनी है ना ये। हाँ। और मतलब इससे नीचे को भी ये तो इतने हमें पता है, इतने ये पानी नीचे को ज्यादा टेढ़ी पुलिया उधर से होते हुए मतलब जहाँ भी ये पानी गया है वहाँ सबके घरों में घुसा है, बेतहाशा पानी था ये। इस पानी में हम जैसे रोड पार करना चाह रहे थे ना तो हमें बहा के ले जा रहा था ये, इतना तेज पानी था इसमें। हाँ, कोई बच्चे अच्छे तो इसमें बह ही जाते हैं और हम लोग जरा हमें आइडिया भी है ना, हम आदमी नहीं जंगल में रहे हैं, खेतों में रहे हैं, हमें पता है इसकी स्थिति का, अनजान आदमी तो बह ही जाता है। तो जब पानी पूरा यहाँ पे बह रहा था तो आप लोग कहाँ पर थे, किस तरह से अपना बचाव करा आप लोगों ने? हम लोग तो जब आए फिर इधर से आए, किनारे से कट के आए, सामने कौन आएगा, सामने तो इतना भयानक मंजर था यहाँ पर, तो देख के आदमी चक्कर आ रहे थे, गिर रहे थे, इतना भयानक पानी का जो प्रेशर था, आवाज थी और डरावनी आवाज, उसके आगे तो फिर आग और पानी का तो फिर किसी से कहाँ, वो तो प्रकृति का बड़ा रुद्र रूप हो रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग बड़े दूर दूर खड़े हो गए ही देख रहे थे, छतों में खड़े होकर देख रहे थे, और फिर बाद में आ गई थी नगर निगम की टीम, आ गई थी JCB लेके एक घंटे में। अच्छा। 9-10 बजे के टाइम में, रात 12 बजे से वो काम शुरू हो गए थे,
अभी तक चल रहा है काम अभी तक चला है। अब थोड़ा सा मशीन खराब हो गई, अभी काम लगा है, मतलब बारिश नहीं हो रही भाई। ये वो है कि अगर बारिश हो जाएगी अभी दोबारा, फिर स्थिति इससे भयानक होनी है। हाँ, अगर क्यों बादल अभी आकाश में है, अभी अगस्त का ही महीना चल रहा है, अगस्त का ही महीना चल रहा है, अभी बारिश के डेढ़ महीना तो है ही करीब, तो अगर जल्दी जल्दी नहीं होता तो फिर बड़ा खतरनाक हो जाएगा, फिर और वो स्थिति हो जाएगी, फिर जान माल का नुकसान है। अब क्योंकि अब ये घर नज़दीक में पास में है, मलबा तो भर गया, अब पानी ने क्या करना है, घरों के अंदर सीधे डायरेक्ट है नहीं, अगर रात में आ गया तो फिर मतलब समझ लो आदमी की भी बहुत वो हो सकती है। तो नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा अकील अहमद, नगर निगम की कर्मचारी। हाँ, नगर निगम से हम जो है आए हैं, लेबर चौक से, अड्डे से। अच्छा, अब्दुल्ला बिल्डिंग से। तो कितने दिनों से आप लोग जो है ये मलबा साफ करने में लगे हुए? 2-3 दिन से लगे हुए हैं हम, लगातार लगे। हाँ, और अभी कितना समय और लगेगा लगभग? अभी तो टाइम लगेगा ही, अभी तो काम है, ये फैला हुआ है, अभी तो बहुत समय लगेगा, अभी लेबर लगी हुई है यहाँ पर। हाँ, टाइम लगेगा अभी। तो जिस दिन पहले दिन आए थे उस दिन यहाँ पे स्थिति कैसी थी? यहाँ पर ये सब, यहाँ पर कीचड़ काचड़ थी और पानी भी था, लोग घरों में जो है मलबा वही बहुत भर गया था, इतना इतना कहाँ तक, यहाँ, हाँ यहाँ घुटनों तक। अच्छा, वो साफ करा उसको। हाँ, बहुत मलबा था। अच्छा, यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं ये आम पानी नाला बोलते हैं ना इसे? हाँ, नाला है, यहाँ से ये टूट गया है, ये यहाँ से, यहाँ से जो है पानी फिर उधर को घुसा है, मलबा वलबा सब। अच्छा, मतलब ये जो दीवार है इसकी पूरी टूट गई है? हाँ, ये टूट गई है दीवार। अच्छा, तो पहाड़ों पर जब बरसात, अगर अभी काम चल रहा है, अभी बरसात अगर और होती है तो पानी आने की संभावना है यहाँ पे? हाँ, पानी आ सकता है, जब पहाड़ों में बरसात होती है तो गदेरा आते हैं तो पानी जो है इसके अंदर आता है, अभी तो सूखा हुआ है, बारिश हो नहीं रही है, अभी जब बारिश होती है तो पानी आ जाता है इसके अंदर। अच्छा, तो लगभग कितने घंटे आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम वही करते हैं, 8 घंटे काम। 8 घंटे काम। हाँ, अभी कितनी मशीनें लगी हुई हैं? मशीन एक ही है, एक उधर लगी हुई है, 2-3 मशीनें हैं लगी हुई। पॉकलैंड है ना? हाँ, ये चेन वाली है। और वो जेसीबी हो गई? हाँ, वो जेसीबी है, टेर वाली। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे 2 बसें अभी मैं फंसी हुई देख रही हूँ, इसके अलावा भी वाहन थे फंसे हुए पहले? थे, और जो स्कूटी स्कूटी वगैरह थी वो जो है निकाल ली, पहले निकाल ली। हाँ, बाकी ये वाहन जो है फंसे हुए हैं, बस वस स्कूल की। प्रशासन की टीम लगातार आ रही है यहाँ पे? हाँ, प्रशासन की टीम आ रही है यहाँ पर, कल भी आ रहे थे, कल हाँ, भी बहुत लोग आए। अच्छा, तो लगभग कितने कर्मचारी जो हैं वो अभी लगे हुए हैं काम में? अभी लगे हुए हैं 60-70 आदमी लगे हुए हैं। 60-70 लगे हुए हैं। कितनी कॉलोनियाँ हैं जो प्रभावित हुई हैं? एक यही वाली कॉलोनी है अभी तो फिलहाल इधर को। अच्छा, कृष्णा विहार अभी? हाँ। अच्छा, जिसमें अभी काम चल रहा है? जिसमें काम चल रहा है, 60-70 आदमी इधर ही लगे हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? गणेंद्र जोशी। तो जिस तरह से मलबा पूरा आप लोगों के घरों के अंदर घुस गया था, कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं, उस दिन की अगर मैं बात करूं तो उस दिन कहां तक मलबा आया था और अभी कितनी परेशानियां हो रही? उस दिन बेटा शाम के समय था, अब एक्यूरेट टाइम का तो पता नहीं, मतलब शाम के समय में था और हम लोग चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते ऐसा हुआ कि एकदम से जो है पानी आया, बाहर बैठे थे, बाहर से अंदर गए तो अंदर भी पानी घुस गया, कमरों के अंदर सब, पूरे में पूरे घर में पानी घुस गया और उसकी जो वो था वो गेज, वो 2 फीट ऊपर तक था, फर्श से 2 फीट ऊपर। तो इससे हमारा बेड खराब हो गया, जो अंदर का सोफा खराब हो गया, बाहर का सोफा खराब हो गया, इन्वर्टर खराब हो गया, 3 मोटरें हो गई, पानी की टंकी बेकार हो गई, दोनों स्कूटियों में पानी ये भर गया है, ये की घात भर गई है, और बच्चे की गाड़ी में, चिड़ियों के पिंजरे में, और बाहर ये सब में गाद भर गई है। तो जो पानी आया था ये गेट के अंदर से आया था या ऊपर से आया था? पानी नहीं, ये गाद है। गाद कैसे आई अंदर? ये पूरा एकदम मलबा जैसा आया ये। हाँ। अंदर घुस गया ये। ये गेट आपका खुला था तब? नहीं, गेट बंद था, ये नीचे से, गेट के नीचे जो जाले हैं, जाले हैं वहाँ से आया, वहाँ से अंदर आया, इसमें मोटे सुराग है ना, सर लीक सीधा अंदर को आ गई। मैं यहाँ पे निशान भी देख पा रही हूँ कि ये निशान उसी चीज का है। दो फीट पानी ये गाद का है, ये इतना मलबा था, ये मलबा है। मलबा जब यहाँ पे जमा हो गया तो अंदर से बाहर आप लोग निकल पाए? कहाँ से निकलते हैं? कैसे अंदर ही? फिर ये मोहल्ले के लड़के आए, 8-10 लड़के आए, इन्होंने अंदर वाइपरों से साफ करा और पानी से जितना हो सकता था उतना साफ करा, फिर कल लेबर बुलाई, लेबर ने कमरे अंदर के कमरे साफ कर दिए हैं, अभी बाहर का रह गया है, बाहर का टैंकी और बैठक रह गई है, बैठक के सोफे हो गए, सारा सामान वगैरह डैमेज है। अभी कर्मचारी जो है प्रशासन के यहाँ पे लगे हुए हैं, ये काम सही कर रहे हैं, इनकी संतुष्टि? हाँ, इनसे संतुष्ट। प्रशासन की टीम भी आई? प्रशासन से। किसी तरह की मुआवजा राशि के मामले में तो हमने शिकायत है, क्योंकि जहाँ हमारा, मेरा कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, समझे, प्रशासन ने हमें 5,000 रुपए दिए, वो कह रहे थे कि फौरी राहत है आपके लिए। अच्छा,
अच्छा, जबकि मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस इलाके में। अच्छा, मेरे मतलब तीनों बेडरूम खराब हो गए हैं, उसमें कपड़े खराब हो गए, सोफा खराब हो गया, इन्वर्टर फूक गया, तीन मोटरें फूक गई हैं, सारी चीज़ें मतलब अस्त व्यस्त हो गया, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। तीन दिन हो गए, तीन दिन से मैं नहाया हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ। अभी बरसात का मौसम पूरा बचा हुआ है, जिस तरह से बरसात हो रही है, पूरी जो दीवार है वो टूट गई है, ऐसे में डर कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। हाँ, डर बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनका डर बना हुआ है कि भाई रात को अगर हम तो ऊपर चले जाएंगे, इनको बच्चों को कैसे ले जाएंगे। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद के मंजर यहाँ पे देखने को मिले हैं, कृष्ण विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं और साथ ही गायत्री विहार में भी स्थिति जो है वो भयावह देखने को मिली है। हालांकि पीछे अगर मैं देख सकते हैं किस तरह से कर्मचारी जो हैं वो मलबा हटाकर जेसीबी में जो है डाल रहे हैं और जल्द से जल्द यहाँ पर स्थिति साफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बरसात का सीज़न है और बरसात के सीज़न में लोगों से जिस तरह हमने बात करी, लोग कहीं ना कहीं डर के साए में हैं, यहाँ पर रह रहे हैं और उस दिन के जो हालात थे वो लोगों ने अपनी जुबान हमें बताए। अगर मैं पीछे की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से मलबा जो है वो कर्मचारियों की ओर से यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, लोग जो हैं वो घरों से पानी डाल डाल कर अपना जो सफाई है वो कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि तीन दिन इस घटना को हो गए हैं, हालांकि प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है, कर्मचारी जो है वो भारी संख्या पर यहाँ पर काम कर रहे हैं और कब यहाँ पर स्थिति जो है वो साफ होती है और इस पर क्या कुछ अपडेट आगे आएगा, जेजन आपके बीच लेकर जरूर आएगा। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेजन की खास रिपोर्ट, मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ, जेजन न्यूज हल्द्वानी, नमस्कार।